हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ अतुल पाल और आज आपको मैं ऑक्यूपेंसी लाइट इंडिकेटर बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें उपयोग होने वाले कंपोनेंट्स। यह ऑक्यूपेंसी लाइट इंडिकेटर का सर्किट डायग्राम है। तो चलिए देखते हैं इस सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें ये 100 ओम के दो रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगाएंगे, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का और एक यहाँ पर रेड कलर का। और उसके बाद हम यहाँ पर 4.7 के दो रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे 1K का, और दो ट्रांजिस्टर लगाएंगे C1815K। और एक हम इसमें रीड स्विच लगाएंगे जो कि हमारा मैग्नेट लगाने पर वर्क करेगा। और जब ये सारे कंपोनेंट्स आप लगा लेंगे उसके बाद आपको बैटरी कैप लगाना पड़ेगा यहाँ पर। जब आप ये सारे कंपोनेंट्स इसमें लगा लेंगे तो उसके बाद आपको इस सर्किट में 9 वोल्ट के लिए एक बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी। और ये सर्किट डायग्राम अब हम पीसी बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे। जब आप ये सर्किट डायग्राम इस पीसी बोर्ड पर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पीसी बोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और अब हम इस पीसी बोर्ड पर ये सारे कंपोनेंट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें C1815 ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ये जिधर से ये ट्रांजिस्टर कटा हुआ है वो इस तरफ लगेगा। और इसी प्रकार यहां पर ये दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। और अब हम ये 100 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे यहां पर। और दूसरा रेजिस्टेंस 100 ओम का हम यहां पर लगाएंगे। अब हम यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगाएंगे, और एलईडी बल्ब में ये बड़ा वाला वायर पॉजिटिव होता है और स्मॉल वाला वायर नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव वाला वायर नीचे की ओर आएगा। और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की एलईडी बल्ब लगाएंगे, इसमें भी बड़ा वाला वायर पॉजिटिव का होता है और स्मॉल वाला नेगेटिव का होता है। नेगेटिव वायर यहाँ पर नीचे की ओर आएगा। और इसके बाद हम इसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पर 1K का। और अब हम एक 4.7K का रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पर। और अब हम एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे 4.7K का यहाँ पर। और अब हम एक रीड स्विच लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस के वायर को एलईडी बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। यह एलईडी का पॉजिटिव वायर और ये रेजिस्टेंस का वायर।
इसमें देखकर। एलईडी बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल हम इस ट्रांजिस्टर के वायर से जोड़ेंगे। ये ट्रांजिस्टर का वायर है और ये एलईडी बल्ब का नेगेटिव वायर है। इस रेजिस्टेंस का वायर हम ट्रांजिस्टर के सेकंड वायर से जोड़ेंगे। ये ट्रांजिस्टर का वायर है और ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है। और अब हम ये रेजिस्टेंस का वायर इस एलईडी बल्ब से जोड़ेंगे। ये एलईडी का वायर है और ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है। इस रेजिस्टेंस का वायर हम इन दोनों के वायर से जोड़ेंगे। ये रेजिस्टेंस का वायर है, ये रेजिस्टेंस और एलईडी का वायर है। और अब हम इस एलईडी का वायर इस ट्रांजिस्टर के वायर से जोड़ेंगे। ये आपका एलईडी का वायर है और ये आपका ट्रांजिस्टर का वायर है। और अब हम इस रेजिस्टेंस का वायर इन दोनों के वायर से जोड़ेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपका एलईडी और ट्रांजिस्टर का वायर है। और अब हम इस रेजिस्टेंस का वायर इन दोनों के वायर से जोड़ेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपका इन दोनों के रेजिस्टेंस का वायर है। और अब हम इस रेजिस्टेंस का वायर इस ट्रांजिस्टर के वायर से जोड़ेंगे। ये रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपके ट्रांजिस्टर का वायर है। और अब हम एक वायर लेंगे जो यहाँ से लगाने के बाद हम इस रेजिस्टेंस से अटैच करेंगे, उसके बाद इस रेजिस्टेंस से, और फिर यहाँ पर लाने के बाद इस रेजिस्टेंस से। और यहाँ पर ये वायर हम इस रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे।
बोलने की जरूरत नहीं है। और अब हम एक वायर लेंगे जो यहाँ पर अटैच करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों ट्रांजिस्टरों से अटैच करने के बाद इस रीड स्विच से अटैच करेंगे। नाखून मत खाओ। इस रीड स्विच का वायर हम ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ेंगे। ये आपका रीड स्विच का वायर है और ये आपका रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर का वायर है। और अब हमने ये सारे कंपोनेंट्स लगा लिए हैं, उसके बाद हम इसमें ये बैटरी कैप लगाएंगे। लेकिन बैटरी कैप में ये दो टर्मिनल होते हैं, रेड वाला आपका पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला आपका नेगेटिव। तो रेड वाला आपका इस तरफ आएगा और ब्लैक वाला आपका इस तरफ आएगा। और अब हमने ये सारे कंपोनेंट्स लगा लिए हैं और अब हम ये इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। और जैसे आप इसमें ये बैटरी लगाएंगे उसके बाद ये ग्रीन बल्ब अपने आप ग्लो हो जाएगा। जैसे आप इस रीड स्विच के पास मैग्नेट लाएंगे तो ये आपका रेड बल्ब अपने आप ग्लो हो जाएगा। रीड स्विच के पास मैग्नेट आते ही रीड स्विच अपना काम करना शुरू कर देता है। हाय फ्रेंड्स, मैं सर सालू वर्मा। हमें पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से ऑक्यूपेंसी लाइट इंडिकेटर बना पाए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करेंगे और इसी तरह और भी प्रोडक्ट आपके सामने लाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।